वेलकम बैक टू द चैनल परमाइज द वर्च्यू ऑफ ह्यूमैनिटी। आज हम बात करने वाले हैं बजट की। बजट 2021 टू 2022, बजट के हाइलाइट्स हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे देखेंगे कि इस बार की जो बजट है उसकी विजन रखी गई है आत्मनिर्भर भारत। ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा, ठीक है। जितने भी 2020 में गवर्नमेंट के स्कीम्स आई हैं या कोई नई चीज लॉन्च की गई है तो वहां पे आत्मनिर्भर भारत वर्ड का जिक्र रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आत्मनिर्भर भारत दिस वर्ड इज नॉट अ न्यू आइडिया। आत्मनिर्भर भारत कोई नया आइडिया नहीं है। इन एंशियंट टाइम्स इंडिया वॉज सेल्फ रिलायंट एंड बिजनेस एपिसेंटर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। सो यहां पे इसको ध्यान में रखा गया है। ओके, सो विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं बजट। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा कि बजट क्या होता है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली सभी को पता होगा कि बजट क्या होता है। बजट इज अ समरी ऑफ इकोनॉमिक विजन ऑफ द गवर्नमेंट एंड द मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव्स इन द थ्रस्ट एरियाज ऑफ इकोनॉमी फॉर ग्रोथ एंड वेलफेयर, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे थ्रस्ट क्या होता है, ठीक है। आप THRUST, थ्रस्ट। थ्रस्ट एरिया का मतलब होता है जहां हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस पैंडमिक हेल्थ केयर सेक्टर वॉज द थ्रस्ट एरिया, ठीक है। एज पर आर्टिकल 112, एज पर आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द यूनियन बजट ऑफ अ ईयर इज रिफर्ड एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में बजट टर्म कहीं यूज नहीं हुआ है, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर बात करें तो आर्टिकल 112 के अकॉर्डिंग, ठीक है, बजट को क्या कहा जाता है, AFS, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आपको याद रखना है। बजट पास होने के 6 स्टेजेस होते हैं, दैट वी विल डिस्कस ऑन अनदर वीडियो। हियर वी विल स्टिक टू द करेंट यूनियन बजट। सो एवरी ईयर 1 फेब को रिप्रेजेंट किया जाता है बजट बाय फाइनेंस मिनिस्टर। सो हियर श्रीमती निर्मला सीतारमन इज आवर यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स। फर्स्ट टाइम दिस ईयर डिजिटल यूनियन बजट लाया गया है, ठीक है। यहां पे आप देख रहे हैं डिजिटल यूनियन बजट, ठीक है। शी इज द फर्स्ट फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर। शी प्रेजेंटेड 3 बजट कॉन्जिक्यूटिवली 2019, 20 एंड दिस ईयर 2021। सो 3 कंसेक्यूटिव ईयर में इन्होंने बजट पेश किया है, ठीक है। आप यहां पे देख सकते हैं कि ये एक रेड कलर का कवर है जिसके अंदर टैबलेट रखा गया है। सो पेपरलेस है इस बार का बजट, डिजिटल यूनियन बजट इसलिए कहा जा रहा है। इसके साथ ही यूनियन बजट मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया गया है, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हैं यूनियन बजट मोबाइल ऐप कुछ इस तरह का दिखता है। प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें क्या क्या चीजें हैं ये अभी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ये यूनियन बजट एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, iOS के लिए भी है और एंड्रॉइड के लिए भी है। यूनियन बजट मोबाइल ऐप में आपको मिलेगी बजट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो एक जगह रखी गई है। सो ऑल टुगेदर यूनियन बजट ऐप मेक्स बजट डॉक्यूमेंट अवेलेबल टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स एंड जनरल पब्लिक एट वन प्लेस। यहां पर 14 यूनियन बजट डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, इंक्लूडिंग AFS, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिमांड फॉर ग्रांट, फाइनेंशियल बिल एटसेट्रा। ओके, सो दिस इज जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस। पहले जो बजट होता था एक ब्रीफ केस में आता था जो फाइनेंस मिनिस्टर लाते थे, उसमें पेपर्स रखे होते थे और उसको पेश किया जाता था, ठीक है। उसके बाद जब निर्मला सीतारमन जी आई तो उन्होंने लाल कलर के कपड़े में इसको कवर किया और उसके बाद बजट पेश किया जाता था। इस बार भी लाल कलर का कवर है बट इस बार टैबलेट है, सो पेपरलेस है। तो इट इज जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस। स्ट्रेंथनिंग दिस संकल्प, कुछ संकल्प लिए गए हैं। थीम आपने पहले ही मैंने बताया, आत्मनिर्भर भारत एंड द संकल्प ऑफ द नेशन। दिस इज द थीम ऑफ द बजट 2021, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसको स्ट्रेंथन करने के लिए कौन कौन से संकल्प लिए गए हैं, क्या क्या चीजें की जाएंगी उसके बारे में यहां पे कहा गया है। नेशन फर्स्ट, ठीक है, डबलिंग द फार्मर इनकम, स्ट्रांग इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्दी इंडिया, गुड गवर्नेंस, अपॉर्चुनिटी फॉर अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ, एजुकेशन फॉर ऑल, वुमेन एम्पावरमेंट एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सबका विकास, है ना, सभी लोगों को आगे लेकर चलना। सो दैट इज ओके। सो हियर यू कैन
सी दिस ईयर बजट हैज सिक्स पिलर जिसपे गवर्नमेंट का मेजर फोकस रहेगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट हटाकर पूरा बजट अगर समराइज किया जाएगा तो वो इन सिक्स पिलर्स पे। ठीक है, अब ये जो सिक्स पिलर हैं वो क्या क्या हैं ये हम देखेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले आता है हेल्थ एंड वेलबींग, फिजिकल, फाइनेंशियल, कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। तो ये हम आगे देखेंगे। इन दिस ईयर हेल्थ सेक्टर पे ज्यादा ध्यान दिया गया है, ठीक है, और कोरोना की वजह से ऑब्वियसली हेल्थ सेक्टर पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी। तो कोरोना ने प्रेरणा दी है कि हेल्थ सेक्टर को स्ट्रांग किया जाए, जिसकी वजह से इस बार गवर्नमेंट ने ज्यादा अमाउंट एलोकेट किया है हेल्थ सेक्टर को। सो दिस ईयर 2,23,846 करोड़ रुपीज एलोकेटेड टू द हेल्थ सेक्टर एंड वेलबींग सेक्टर, ठीक है, बट हर साल ये अमाउंट नहीं दी जाएगी और इसका बहुत बड़ा हिस्सा या कुछ हिस्सा आप कह सकते हैं कि कोविड वैक्सीन में भी खर्च होंगे। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं 35,000 करोड़ फॉर कोविड वैक्सीन के लिए एलोकेट की गई है। यहाँ हेल्थ सिस्टम की बात कर रहे हैं करें तो 64,180 करोड़ आउटले फॉर पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना ओवर द पीरियड ऑफ 6 ईयर, तो 6 सालों के लिए, ठीक है, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए अमाउंट एलोकेट की गई है। वो कितनी है? इट इज अ न्यूली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम टू बी लॉन्च्ड इन एडिशन टू एनएचएम। एनएचएम इज अ नेशनल हेल्थ कमीशन। यहाँ पे आप देख रहे हैं नेशनल हेल्थ कमीशन है ये, ठीक है, मतलब अगले 6 सालों के लिए ये अमाउंट सिर्फ और सिर्फ एक इस सिंगल योजना में खर्च की जाएगी। सो ये बहुत बड़ा अमाउंट है और अप्रिशिएट इसको किया जाना चाहिए, ठीक है, ओके। सो हियर वी कैन से अ होलिस्टिक अप्रोच इज टेकन बाय द गवर्नमेंट टू द हेल्थ सेक्टर, मेनली फोकसेस ऑन स्ट्रेंथनिंग 3 एरियाज, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड वेलबिंग, ऑब्वियसली। सो यहाँ पे अगर हम फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो नई कंपनी और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक स्कीम लाई गई है, वो है पीएलआई स्कीम। यहाँ पे आप देख रहे हैं पीएलआई स्कीम है, ठीक है, 13 सेक्टर के लिए अमाउंट जो एलोकेट की गई है 1.97 लाख करोड़ इन 5 ईयर्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। पीएलआई क्या होता है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ठीक है। सो पीएलआई इज अ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। अब नाम से आपको पता चल रहा है कि जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा। इससे फायदा ये होगा कि जो भी स्टार्टअप और छोटी कंपनियां हैं उन्हें टैक्स हॉलीडे में बेनिफिट मिलेगी, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि टैक्स हॉलीडे क्या होता है। बाकी ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो एक्सपैंड हुई है 7,400 प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। अगर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की बात करें तो ट्रिमेंडस काम हुआ है। अब जिस भी शहर में चले जाएं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं, जिस भी स्टेट में चले जाएं, ठीक है, आपको रोड्स में काफी ज्यादा सुधार हुआ है ये देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे टैक्स होलीडे का। टैक्स होलीडे मीन्स टेम्पररी एलिमिनेशन ऑफ अ टैक्स। मतलब कोई भी न्यू कंपनी जब ओपन होती है तो स्टार्टिंग के 2-3 साल टैक्स पे नहीं करती है। इस टाइम पीरियड को टैक्स हॉलीडे कहा जाता है। इन शॉर्ट, अ टैक्स हॉलीडे इज एन इंसेंटिव प्रोग्राम रन बाय द गवर्नमेंट जिससे छोटी कंपनी को फायदा होता है एंड इट हेल्प्स टू स्टिमुलेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय रिड्यूसिंग टैक्सेस ऑन बिजनेसेस। द ऑब्जेक्टिव इज टू इनकरेज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड फास्टर ग्रोथ। सिंपल है टैक्स हॉलीडे क्यों दिया जाता है, ठीक है। टैक्स हॉलीडे का क्या कंसेप्ट है ये आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो रिपीट करके आप फिर से सुन लें, ठीक है। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। नेक्स्ट, ये मैंने आपको बताया कि जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है वो एक्सपैंड हो गई है 7,400 प्रोजेक्ट्स में। ये पिछले
स्लाइड में हमने देखा, ठीक है। यहां पे अराउंड 217 प्रोजेक्ट वर्थ रुपीज 1.10 लाख करोड़ कंप्लीट हो चुके हैं। सो बात यहां पे रेलवे की कर लेते हैं थोड़ा सा। रेलवे को जो अमाउंट एलोकेट की गई है 107,100 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द रेलवे नेशनल रेल प्लान जो 2030 तक क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। फ्यूचर रेडी रेलवे बाय 2030, सो इसके लिए इतनी अमाउंट एलोकेट की गई है, ठीक है। 18,000 करोड़ फॉर अ न्यू स्कीम टू द ऑगमेंट पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट, पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट के लिए जो अमाउंट दी गई है वो है 18,000 करोड़। एक और यहाँ पे है एक्सटेंशन ऑफ उज्ज्वला स्कीम टू कवर 1 करोड़ मोर बेनिफिशियरी। तो यहाँ पे उज्ज्वला स्कीम को एक्सटेंशन करने की बात की गई है। एक्सटेंशन का मतलब सिंपल सा है कि जो हम लोग ऐसा कहा जा रहा है कि जो अभी हम लोग सिलेंडर लाते हैं, ठीक है, जो गैस सिलेंडर लाते हैं वो गैस गैस पाइपलाइन के जरिए आएगी हम तक, नॉर्मल घरों तक पहुंचेगी, ठीक है। बड़े शहरों की बात करें, मुंबई दिल्ली, तो वहां पे जो कुछ सोसाइटीज में ये सिस्टम है कि आपको गैस पाइपलाइन आ चुकी है, ठीक है। सो उसको एक्सटेंड करने की बात हो रही है यहां पे, सिंपल उसको ही एक्सप्लेन किया गया है, उज्ज्वला स्कीम 1 करोड़, ठीक है। ओके, यहां पर 100 मोर डिस्ट्रिक्ट टू द सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन नेक्स्ट 3 ईयर। वो मैंने आपको बताया गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो है जेएनके में नई लाई गई है। इस बार के बजट में एक स्कीम है स्वामित्व स्कीम टू बी एक्सटेंडेड टू ऑल द स्टेट, यहां पे लिखा गया है, ठीक है। एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट 16.5 लाख करोड़ दिया गया है। डबलिंग द माइक्रो इरिगेशन फंड, ठीक है, जिसके लिए 10,000 करोड़ दी गई है। एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट का मतलब कि जो किसानों को लोन दिया जाता है उसके लिए इतना अमाउंट फिक्स कर दिया गया है, इसमें से किसानों को इजिली लोन दिया जाएगा। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो फंड टू बी इनहेंस्ड इट इज 40,000 करोड़, पहले थी ये 30,000 करोड़, ठीक है। सो ये इंक्रीज हुई है। हाँ, यहाँ पे इस बार के बजट में बात की गई है, बजट में क्या हमेशा ही बात की जाती है एमएसपी की, एट अ मिनिमम 1.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। यहाँ पे आप एक पॉइंट देख रहे होंगे एमएसपी, जिसका डिस्कशन काफी सालों से चलता आ रहा है, और ये अभी का टॉपिक नहीं है, पुराना टॉपिक है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि फार्मर्स के प्रोडक्शन कॉस्ट का एटलीस्ट 1.5 टाइम्स एमएसपी रहेगी। अब जब ये कहा जा रहा है उसके बाद भी प्रोटेस्ट तो कंटिन्यू है। प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है? प्रोटेस्ट का रीजन बहुत सारा है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल देखते हैं, एपीएमसी मंडी में किसान अपनी उपज को बेचता है, जो भी वो किसान उपजाता है, जो भी उसके अनाज होते हैं वो अपनी एपीएमसी मंडीज में बेचता है, या फिर कोई भी किसान से आकर खरीद लेता है, बट किसान मंडी के अलावा कहीं और नहीं बेच सकता। नाउ इन दिस फार्म बिल इट इज सेड कि आप मंडी में बेच सकते हैं और बाहर भी जाके बेच सकते हैं, है ना। सो ये तो अच्छी बात है, फिर किसान प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? सो यहीं पर फार्मर को फियर है कि अगर एपीएमसी मंडी इनिफिशियंट हो गई इन फ्यूचर तो एमएसपी पर तो खरीदेगी नहीं, और जो प्राइवेट प्लेयर होंगे वो एमएसपी की प्राइस पर तो लेंगे नहीं, है ना। सो इसी डर की वजह से प्रोटेस्ट अभी भी चल रहा है, अगर एक रीजन ये समझे तो। अगेन गवर्नमेंट कह रही है कि एपीएमसी को हम इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एपीएमसी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। सो अगर गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम एपीएमसी के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड करेंगे अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक है, गवर्नमेंट ने एक फंड बनाई है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक है। इस फंड के जरिए कहा जा रहा है कि एपीएमसी के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम एक्सपैंड करेंगे। सो गवर्नमेंट की इंटेंशन तो अच्छी लग रही है, अगर ये हम इसके थ्रू जाएं, ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग जाएं, तो गवर्नमेंट की तो इंटेंशन अच्छी है, बट ये इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है डिपेंड तो उस पर ही करता है, ठीक है। सो गवर्नमेंट को फार्मर को इंश्योर करना चाहिए, कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, आई थिंक ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। बाकी आप लोगों के अपने अलग अलग सुझाव होंगे, पॉलिटिकली अपने सुझाव प्लीज यहां पर ना दें, ठीक है। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोटेस्ट सही है गलत है, या गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कैसे किसान को समझाना चाहिए, फार्मर्स को समझाना चाहिए, कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में
लिख सकते हैं, ठीक है। ये वर्ड आपको दिख रहा होगा, ऑपरेशन ग्रीन स्कीम। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम जो थी वो पहले सिर्फ टॉप के लिए थी। टॉप क्या हो जाता है? टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो। नाउ इसे बढ़ा दिया गया है, ठीक है। टॉप टू टोटल किया गया है। टॉप टू टोटल का मतलब है ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सो सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को भी ऐड कर दिया गया है, मतलब 22 और प्रोडक्ट इसमें ऐड कर दिए गए हैं टू बूस्ट वैल्यू एडिशन इन एग्रीकल्चर। सिंपली अगर कहा जाए तो इट इज अ प्राइस फिक्सेशन स्कीम, ठीक है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम जो है, सिंपल इट इज अ प्राइस फिक्सेशन स्कीम। कभी कभी आप देखते होंगे कि अनियन के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, टोमेटोस के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, कभी आलू के दाम बढ़ जाते हैं। तो इसमें जो भी प्रोडक्ट ऐड किए गए हैं, लाइक 22 और प्रोडक्ट ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा कि इन जो भी चीजें ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के अंतर्गत इन प्रोडक्ट्स में हैं, इनका प्राइस जो है बहुत ज्यादा हाई नहीं जाएगा, ठीक है। प्राइस फिक्सेशन स्कीम है, सिंपल समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने एपीएमसी की अभी आपसे बात की, तो एपीएमसी टू गेट एक्सेस टू ऑल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ऑफ ऑगमेंटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, ये मैंने आपको बताया कि एक फंड बनाया गया है जिसके जरिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बात की गई है 15,000 स्कूल टू बी स्ट्रेंथन बाई इम्प्लीमेंटिंग एनईपी कॉम्पोनेंट, ठीक है। जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अकॉर्डिंग, उस एज पर दैट। सो एमएसएमई सेक्टर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर। इंपॉर्टेंट किस लिए है? इसके भी बहुत सारे रीजन हैं, नहीं इंपॉर्टेंट होने का कोई रीजन नहीं है। नाउ इन दिस सेक्टर, एमएसएमई सेक्टर में जो अमाउंट एलोकेट की गई है वो है 15,700 करोड़, ठीक है। 15,700 करोड़ इस सेक्टर को दी गई है। एमएसएमई मीन्स क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। एमएसएमई इंडस्ट्रीज की बात करें तो दिस आर द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। एमएसएमई सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 45% ऑफ इंडियाज टोटल इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इन्हें ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी कहते हैं। इट इज बेसिकली एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म आता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो होते हैं जो पर डे बेसिस पे काम करते हैं, ठीक है। आज वो आएंगे काम करेंगे तो उसका पैसा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है जहाँ पे आपको मंथली पेमेंट किया जाता है, ठीक है। आप की छुट्टियाँ फिक्स होती हैं, ठीक है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में छुट्टियों का कुछ मतलब नहीं होता है, कोई कुछ फिक्स नहीं होता है, हर दिन आपको जाना होता है, डेली बेसिस जिसे हम कहते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में छुट्टियाँ फिक्स होती हैं, सैटरडे फिक्स होता है, संडे फिक्स होता है, जो हॉलीडेज होती हैं वो फिक्स होती हैं, ठीक है। छुट्टी लेने का भी प्रावधान होता है, ठीक है। आप बहुत सारी मेडिकल लीव्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सिंपल इतना सा ही डिफरेंस है, ठीक है। कुछ एमएसएमई प्रोडक्ट हैं जैसे स्टील स्क्रू, प्लास्टिक बिल्डर वेयर्स, इन पे ड्यूटी 10-15% बढ़ा दी गई है, ठीक है। सो 10-15% हो गई है। ऑन प्रॉन फीड 5-15% इंक्रीज हो गई है। ऑल्सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया गया है इन दिस बजट, बिकॉज नाउ अ डेज इट इज ग्लोबली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री, अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट एंड बूस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड ऑल्सो एक्सपोर्ट। डायरेक्ट टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं किया गया है, ठीक है। जो थोड़ा सा चेंज किया गया है वो है कि जो सीनियर सिटीजन है हमारे, सीनियर सिटीजन कौन? ओवर 75 ईयर ऑफ एज, उनको टैक्स यहाँ पे फाइल, टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ेगा। सो वो अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो जिस भी बैंक में उनका अकाउंट है, बैंक जो है जो भी टैक्स होगा उनका, वो सारी चीजें फॉर्मेलिटी करके, डिडक्ट करके उनको पे करेगी। इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो जो उसकी FDI की जो लिमिट है वो 49-74% बढ़ा दी गई है एंड अलाउज फॉरन ओनरशिप कंट्रोल विथ सेफ गार्ड्स, ठीक है। अब ये जो चेंजेस लाए गए हैं, ये कैसे लाए गए हैं? सो इंश्योरेंस एक्ट 1938 को अमेंड किया गया है। FDI, ठीक है। अब FDI क्या है? FDI इज अ डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का नाम से ही आपको पता चल रहा है, कोई भी फर्म और इंडिविजुअल किसी भी कंट्री का हो किसी अनदर कंट्री में इन्वेस्ट करता है, ठीक है, और जिसका पैसा लगा होता है उसे उसका कुछ हिस्सा मिल जाता है, कुछ परसेंटेज मिल जाता है। जनरली एफडीआई यूज्ड फॉर एस्टैब्लिशिंग फॉरेन बिजनेस ऑपरेशन, ठीक है। दो अगर दिस गवर्नमेंट की बात करें तो अर्लियर दे वर अपोज्ड टू एफडीआई, बट देर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। एफडीआई विल हेल्प टू बूस्ट द इंश्योरेंस सेक्टर। ऑल्सो जब एफडीआई होगी तो नए जॉब्स भी क्रिएट होंगे। अब प्रत्यक्ष को प्रमाण का क्या, चाइना का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। इतनी ज्यादा एफडीआई हुई कि चाइना कहाँ से कहाँ पहुंच गई। नाउ कोविड की वजह से थोड़ा सा चाइना पे इम्पैक्ट हुआ है, बट दैट इज ऑन अनदर टॉपिक, ठीक है। सो एफडीआई से थोड़ा तो फायदा होगा, नए जॉब्स क्रिएट होंगे, नई नई कंपनियां आएंगी, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप दो इमेज देख रहे हैं। सबसे पहला तो ये बैंक है, अच्छे से काम चल रहा है, ठीक है, कस्टमर है, बैंक एम्प्लॉय है, अच्छे से काम चल रहा है। यहाँ बैंक है और यहाँ देखो कस्टमर डूब रहे हैं, और यहाँ एक वर्ड होता है एनपीए। सो इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फॉर रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पीएसबीज रुपीज 20,000 करोड़ इज प्रपोज्ड, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है 20,000 करोड़। अब रिकैपिटलाइजेशन क्या होता है, सो नाउ व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। सो कई बार आपने सुना होगा कि बैंक डूब जाते हैं और साथ ही साथ उनमें लोगों का पैसा भी डूब जाता है, ठीक है, और लोगों को भी डर होता है बैंक में पैसा रखने से। देन क्या किया जाएगा, ये जो 20,000 करोड़ है, ठीक है, यहाँ पे जो ये 20,000 करोड़ है इनमें से बैंकों को पैसा दिया जाएगा सो दैट वो रिकवरी करा ले। साथ ही अगर कोई बैंक डूब जाती है तो अब कस्टमर को 5 लाख तक निकाल सकते हैं, ठीक है, कस्टमर को जो अमाउंट है अगर कोई बैंक डूब जाती है सो 5 लाख रुपीज कस्टमर को मिलेंगे ही मिलेंगे। मान लो कि 7 लाख है बैंक में, 8 लाख है बैंक में, 6 लाख है बैंक में और वो बैंक डूब गई, सो कस्टमर को 5 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा, बाकी के जो भी रेस्ट अमाउंट है वो साल, 2 साल, 6 महीने, जैसे भी गवर्नमेंट चाहे वो रिकवर करती है, ठीक है। सो ये एक चीज यहाँ पे दिस बजट में प्रपोज की गई है। पहले जो ये अमाउंट था ये 1 लाख था, पहले कोई भी बैंक डूब जाती थी जो कस्टमर होता था वो सिर्फ 1 लाख तक निकाल सकता था, तो ये अब 5 हो गई है। अब इसको लागू करने के लिए क्या अमेंड किया गया है, ऑब्वियसली कोई चीज ऐसे ही तो नहीं आ जाती है। सो इसको लागू करने के लिए यहाँ पे DICGC एक्ट 1961 को अमेंड किया गया है। यहाँ पे अब आप एक वर्ड देख रहे हैं एनपीए, ठीक है, यहाँ पे लिखा है एनपीए, क्या है एनपीए। सो एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब वो एसेट जो आइडियल रखा है जिससे हमें कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है, कुछ फायदा नहीं हो रहा है, मतलब बैंक से किसी ने लोन लिया, सिंपल शब्दों में अगर कहें, सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो बैंक से किसी ने लोन लिया और वो ईएमआई नहीं दे पा रहा है, ठीक है, तो उसका लोन अकाउंट जो है वो एनपीए कहलाता है, सिंपल, ठीक है। किसी ने लोन लिया, उसकी ईएमआई बैंक को भरनी है, वो ईएमआई नहीं दे पा रहा है, तो उसका जो लोन अकाउंट है वो एनपीए कहलाता है, ठीक है। मतलब बैंकों का वो पैसा जो कर्ज के रूप में दिया गया है वो डूब गया है और जिसके फिर से वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है या वापस आएगा ही नहीं। बहुत सारे एग्जाम्पल पिछले कुछ दशकों में हुए हैं जो बैंकों का पैसा लेकर भाग गए हैं, सो वो क्या कहलाता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। हाँ, यहाँ पे इस बजट में बहुत ज्यादा एक वर्ड हुआ यूज हो रहा है, डिस इन्वेस्टमेंट एंड स्ट्रेटेजिक सेल, ठीक है। सो यहाँ पे आप ये पॉइंट देख लो, अदर देन आईडीबीआई 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड 1 जनरल इंश्योरेंस कंपनी टू बी प्राइवेटाइज, ठीक है। यहाँ पे अब ये क्लियर नहीं किया गया है कि कौन से वो 2 पब्लिक सेक्टर बैंक होंगे और कौन सी वो इंश्योरेंस कंपनी होगी, बट प्राइवेटाइज किए जाएंगे। अब प्राइवेटाइजेशन इज ऑल टुगेदर एन अनदर टॉपिक, ठीक है, कोई इसे सही समझता है, कोई गलत कहता है, बट ऑलवेज रिमेम्बर एवरी कॉइन हैज 2 साइड्स, ठीक है। सो प्राइवेटाइजेशन के भी अपने प्रोज एंड अपने कॉन्स हैं, बट यहाँ पर हम प्राइवेटाइजेशन नहीं डिस्कस कर रहे हैं। कमिंग टू द टॉपिक,
सो डिस इन्वेस्टमेंट मीन्स द गवर्नमेंट डिसाइड टू ट्रांसफर द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटिटी टू सम अदर एंटिटी ईदर प्राइवेट और पब्लिक. सिंपल वर्ड्स में कहे तो पीएसयूज में गवर्नमेंट की काफी हिस्सेदारी होती है. तो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी अपने शेयर्स बेच देती है टू प्रोसेस, ठीक है. सो उस प्रोसेस को डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है. डिसइन्वेस्टमेंट आपको समझ में आ गया होगा. यहाँ पे आप ये सेंटेंस देख सकते हो, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ बीपीसीएल, एयर इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बहुत सारी चीजों का नाम है यहाँ पे, आप पढ़ लीजिए, ठीक है. इन सभी को प्राइवेटाइज किया जा रहा है या होने जा रहा है, आप ये कह सकते हो. मतलब इसके जो शेयर्स हैं वो गवर्नमेंट सेल करेगी, ठीक है. और वो सेल अचानक से नहीं करेगी, वो एक स्ट्रैटेजी सेल होती है, मतलब एक प्लान वे में होता है कि हाँ हमें इसे सेल करना है, उसे सेल करना है, तो वो चीज होती है, ठीक है. सो दैट्स व्हाई यू आर यूज स्ट्रैटेजिक, ठीक है. अभी प्राइवेटाइजेशन की बात चली रही है, सो आपको मैं बता दूं कि अगले कुछ सालों में, आने वाले कुछ सालों में आपको जो लाइट डिस्ट्रीब्यूशन के जो मीटर होते हैं, जो आपके घरों में मीटर लगा होता है, वो भी प्राइवेट प्लेयर्स हैंडल करेंगे, मतलब वो भी प्राइवेटाइज होने जा रहा है, ठीक है. अभी नहीं, अगले कुछ सालों में. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. माइग्रेंट वर्कर्स एंड लेबरर्स, यहाँ पे वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम की बात की गई है. सो ये वन नेशन वन राशन कार्ड वो स्कीम है जहां पे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको बेनिफिट किसी भी स्टेट में, मतलब एनी वेयर इन द कंट्री बेनिफिट है वो उनको मिल सकता है, ठीक है. सो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, पोर्टल टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन. ओके, तो हमने सभी ने देखा कि पिछले साल 2020 में माइग्रेंट वर्कर एंड लेबरर्स को बहुत प्रॉब्लम हुई. सो इस वजह से गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च करनी है, गवर्नमेंट एक पोर्टल लॉन्च करने जा रही है जहां पे जितने भी अनऑर्गेनाइज लेबर फोर्सेस हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनकी सारी डिटेल रखी जाएगी. अब जैसे हमें कोई फ्लाइट बुक करना होता है, होटल बुक करना होता है, ट्रिप ट्रैवल ट्रैवल के प्लान करनी होती हैं, तो इन सभी के लिए एक हम वेबसाइट पे जाते हैं, किसी पोर्टल पे जाते हैं, सर्च करते हैं, हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है. तो वैसे ही एक पोर्टल बनाई जाएगी जहां पे सारे अनऑर्गेनाइज्ड जो लेबर फोर्सेस हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनकी डिटेल रखी जाएगी, ठीक है. ओके, सो यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल की बात हो रही है. ह्यूमन कैपिटल का सिंपल सा मतलब हो जाता है स्किलिंग की बात हो रही है, स्किल्स की बात हो रही है ना, एंड एजुकेशन की बात हो रही है. ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हम सभी जानते हैं, लास्ट ईयर लॉन्च हुई थी. यहाँ पे 15,000 स्कूल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए एनईपी कंपोनेंट इंप्लीमेंट किए जाएंगे, ठीक है. 100 न्यू सैनिक स्कूल्स सेटअप किए जाएंगे, ओके. स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, इसके अंतर्गत जो क्लीन एयर है उसके लिए 2,217 करोड़ टू टैकल एयर पॉल्यूशन के लिए एलोकेट किया गया है, जहां पे 42 अर्बन सेंटर्स होंगे, मिलियन ऑफ प्लस पॉपुलेशन जहां पे है, ठीक है. सो उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा. सो क्लीन एयर करने के लिए जो अमाउंट एलोकेट की गई है वो है, एलोकेट की गई है 22,117 है, ठीक है. स्क्रैपिंग पॉलिसी, वॉलेंट्री जो व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी टू फेज आउट ओल्ड एंड अनफिट व्हीकल्स, ठीक है, ओल्ड एंड अनफिट व्हीकल्स एंड फिटनेस टेस्ट. सो यहाँ पे स्क्रैपिंग पॉलिसी क्या है, मतलब पुरानी आपके पास जो पुरानी गाड़ियां हैं जो अनफिट हो चुकी हैं उसको स्क्रैप कर दिया जाएगा, मतलब खत्म कर दिया जाएगा. इसके लिए कुछ सेंटर्स होंगे जहां फिटनेस टेस्ट होगी, ठीक है. अब गाड़ियां अनफिट हैं, पुरानी है, कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए है जो भी गाड़ियां, ठीक है, जो भी गाड़ियां 20 ईयर्स से ज्यादा पुरानी है. अब ये 20 ईयर्स किन के लिए है, जो पर्सनल व्हीकल है, मतलब जो आप खुद के लिए यूज करते हैं, और कॉमर्शियल के लिए क्या है 15 ईयर्स, ठीक है, ठीक है. सो 20 ईयर फॉर पर्सनल व्हीकल्स एंड 15 ईयर से ज्यादा कॉमर्शियल व्हीकल की जो भी गाड़ियां होंगी उनको अनफिट माना जाएगा, ठीक है. इतनी पुरानी होने से अब
पॉल्यूशन ऑब्वियसली बढ़ता है, एनवायरनमेंट को नुकसान होता है. तो करीबन अगर आप कहें तो 1 से 1.5 करोड़ जो गाड़ियां हैं, जो व्हीकल्स हैं, 2021 में रोड से हट जाएंगी. इसके साथ ही गाड़ियों में एयर बैग मैंडेटरी और मैंडेटरी है और एबीएस का होना ज़रूरी है. ठीक है, एयर बैग मैंडेटरी है और एबीएस का होना ज़रूरी है. अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि एबीएस क्या होता है. एबीएस होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, जो आज की मॉडर्न गाड़ियों में स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर है. मतलब आप अगर आज की डेट में कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं, सो ये जो एबीएस है ये अगर आप चेक करते हैं, सो ये स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर है, ये आप होना ही चाहिए. इससे क्या होता है, जो आपके व्हील्स होते हैं वो स्लिप नहीं करते हैं दिस ड्यू टू दिस एबीएस. ठीक है, सो ये एक फीचर है. यहां पे एक वर्ड है सेस, ठीक है, जो इस बार के बजट में है. सो यहां पे पूरी लिस्ट दी गई है किस पे कितना सेस लगेगा. सो गवर्नमेंट ने कुछ बहुत सारी चीजों पर सेस लगा दी है. सेस क्या है? सेस इज अ टैक्स, सिंपल. सो सेस इज अ टैक्स जिसकी वजह से कुछ चीजें महंगी हो जाएंगी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान, आपके घर का कूलर, फ्रिज, एसी, मोबाइल फोन, कार्स, कार्स के पार्ट्स, ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स एटसेट्रा. ठीक है, नोट करने वाली बात यह है कि सोलर पैनल पे भी सेस लगाई गई है. तो सोलर पैनल तो अभी लोगों ने अडेप्ट करना स्टार्ट किया था, लोग उसकी तरफ बढ़ रहे थे और उस पर सेस लगा दिया गया है. सेस की लगाने की वजह से सोलर पैनल के प्राइस बढ़ जाएंगे, वापस लोग पुरानी चीज़ों पे जाएंगे, और अगर वापस पुरानी चीज़ों पे जाएंगे, बैटरी और इन चीज़ों का यूज़ करेंगे, तो एनवायरमेंट में फिर से पोल्यूशन होगा. सो एक बार शायद गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था, बट ठीक है, लेट्स मूव ऑन. ओके, सो कॉटन पर भी यहाँ पे सेस लगाया गया है. सो हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में कपड़े आपके महंगे हो सकते हैं. हियर आर द मेजर एलोकेशंस. अब ये सारा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं नोट करके रख लीजिए, लिख लीजिए. यहाँ पे मैं सिर्फ एक चीज डिस्कस करूंगी, दिस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी ये सारी चीज इतना अमाउंट दिया गया है. सो दिस इज गुड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में होना ही चाहिए. ठीक है, बिकॉज राष्ट्र के सरहदों की रक्षा के लिए जरूरी है और बहुत सारी चीजें जरूरी है. सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज गुड. हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात कर लेते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में अमाउंट दी गई है 93,224 करोड़, जो पिछले साल से भी कम है. अब आप हमें ये बताओ कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, अब हम आत्मनिर्भर बिना एजुकेशन के कैसे बनेंगे? विश्व गुरु बिना एजुकेशन के कैसे बनेंगे? एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अगर आपके पास एजुकेशन नहीं होगा सो आप आत्मनिर्भर का सपना हम कैसे सोच सकते हैं? आई डोंट नो क्या सोचकर ये अमाउंट एलोकेट की गई है, बट ठीक है, देखते हैं. ठीक है, सो इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं, आपके क्या थॉट्स हैं कि एजुकेशन पे और अमाउंट देना चाहिए या दिस इज सफिशियंट, या इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं. ठीक है, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द हाइलाइट्स ऑफ द यूनियन बजट 2021. ओके, सो या अगर आप कहें तो ये जो बजट था इस बार का देश को ध्यान में रख के था, ना कि नागरिकों को. सो इसी पॉइंट के साथ वीडियो को खत्म करते हैं और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. थैंक यू, बाय बाय.